आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि HDFC नेट बैंकिंग की पासवर्ड को कैसे रिसेट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्रोम ब्राउज़र पे जाते हैं। क्रोम ब्राउज़र पे हमें सर्च करना है HDFC नेट बैंकिंग। हमारा ये टाइप करते ही नेट बैंकिंग ऑटोमेटिक आ जाता है। यहाँ पे जाते हैं और जाने के बाद सबसे ऊपर में ही हमारा ये देगा। मैं नेटवर्क चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आप, जैसे कि सबसे ऊपर में ही दिया हुआ है हमारा नेट बैंकिंग HDFC बैंक। तो यहाँ पे जाने पे सबसे पहले देखिएगा रेड कलर में आपको दिखाई पड़ेगा कंटिन्यू टू न्यू लॉगिन पेज फॉर नेट बैंकिंग। तो यहाँ पे हम ओके करते हैं। यहाँ पे जाने के बाद आपको अपने ID डालना है। तो आपका जो भी ID है वो अपना डाल दें। कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद हमारे पास यहाँ पे आता है पिन कोड या पासवर्ड करके। अगर आपको याद नहीं है तो यहाँ पे फॉरगेट करना है। हम फॉरगेट करते हैं। फॉरगेट करने के बाद यहाँ पे आपको आपका जो भी ID है वो ID नंबर डालना है। ID नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस करेगा। यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको जो OTP चाहिए वो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे चाहिए या फिर आपका ईमेल ID पे चाहिए। तो हम मंगाते हैं अपने मोबाइल नंबर पे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले वो ये सिलेक्ट करते हैं अपने मोबाइल नंबर पे और फिर यहाँ पे सिक्योरिटी चेक में जो भी डाला हुआ है वो आपको डालना है। तो यहाँ पे हमारा है C3TAFF। ये फिर कंटिन्यू हम कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे करने के बाद आपको इस तरह से मोबाइल नंबर डालने के लिए आएगा ब्लैंक बॉक्स पे। तो आपको नंबर यहाँ पे टाइप कर देना। तो हम अपना नंबर को टाइप करते हैं। ये डालने के बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे दबाना है। कंटिन्यू पे जाते हैं। यहाँ पे आपको वन टाइम पासवर्ड आपको मिलेगा। यहाँ पे हमारा पासवर्ड आ जाता है। हमारा पासवर्ड है, यहाँ पे हम पासवर्ड डाल देते हैं अपना। यहाँ पे वन टाइम पासवर्ड डाल देते हैं। पासवर्ड डालने के बाद हमारा ये कार्ड है, ये यहाँ पे कार्ड नंबर आपका आ जाता है। तो कार्ड नंबर पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे आने के बाद हमारा सबसे पहले ATM का पिन, ATM का नंबर है वो आपको डालना है। जो भी आपका पासवर्ड हो, जो भी पासवर्ड हो वहाँ पे आप डाल दीजिए। डालने के बाद आपका डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने का देता है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद ही यहाँ पे आपको न्यू पासवर्ड आना है। न्यू पासवर्ड पे आपको जो भी आपको स्ट्रॉन्ग डालना है, जैसे आपको कोई भी आप डाल सकते, जैसे मैं डालता हूँ Rakshi 1234। ये हमारे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड पे आता है। तो इसी तरह हम डालते हैं। ये पहला अक्षर जो है वो कैपिटल में होगा, पहला वर्ड। ओके, हम टाइप करते हैं Rakshi 1234। फिर हम यहाँ पे कंटिन्यू पे आ जाते हैं। कंटिन्यू पे आने के बाद हमारा ये खुल जाता है। तो मेरा पहले से बना हुआ है तो मैं यहाँ पे फॉरगेट नहीं करता हूँ, ठीक है। अगर हमारा चैनल अच्छा, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो